स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, डीकेएस अस्पताल में मुफ्त में होने वाली इलाज होगी बंद। डीकेएस अस्पताल में अब मुफ्त इलाज बंद होगा। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इलाज के लिए मुख्यमंत्री की अनुशंसा लेनी होगी और संजीवनी को से इलाज होगा। डीकेएस स्वास्थ्य संस्था है, वर्तमान में डीकेएस घाटे में चल रहा है। अस्पताल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फैसला लिया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि डीकेएस के प्रबंधन में जहां सुधार करने की कोशिश की गई है वहां सुधार भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। डीकेएस एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में पंजीकृत पिछली सरकार ने कर दिया था, शासन इसमें सीधे तौर पर बहुत कम योगदान देता है। वर्तमान में बहुत सारे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक फ्री इलाज के लिए अनुशंसा करते हैं। डीकेएस ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा मेकाहारा हो गया है सरकारी अस्पताल। महीने में करीब 1 करोड़ का फ्री इलाज होता है जबकि उसके लिए पैसे नहीं मिलते। इस तरह से फैसला लेने के पीछे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये हवाला दिया है कि डीकेएस के पास न तो गार्ड न बिजली बिल कटाने के लिए पैसे है। लगातार डीकेएस अस्पताल घाटे में चल रहा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।